नमस्कार, मेरा नाम है मानसी जैन और आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। अगर आप पुराने नियमों के आधी हो गए हैं तो अब आप नए नियमों की भी जानकारी ले लें, क्योंकि 1 अक्टूबर से कई नए नियम लागू होने जा रहे हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करेंगे। ये नए नियम आपके वित्तीय, बैंकिंग, पेंशन, एलपीजी सिलेंडर और आपके खाने पीने की चीजों को भी प्रभावित करेंगे। तो आइए जानते हैं 1 अक्टूबर से क्या क्या होने जा रहे हैं बदलाव। नए नियम के तहत 100 रुपए तक भर सकते हैं गैस सिलेंडर के दाम। 1 अक्टूबर को पेट्रोलियम कंपनियां घरेलू एलपीजी के दाम जारी करती हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम में वृद्धि होने के चलते गैस सिलेंडर के दाम में 100 रुपए तक वृद्धि होने की आशंका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल एक बार फिर $80 के करीब पहुंच गया है। इसके साथ ही कच्चा तेल 3 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इससे पहले अक्टूबर 2018 में ये $78.24 प्रति बैरल पर पहुंचा था। कच्चे तेल के दाम बढ़ने से आने वाले दिनों में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ने तय हैं। खाने के बिल पर अब FSSAI रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा जरूरी। FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1 अक्टूबर तक खाद्य पदार्थों से जुड़े सभी दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया है। खाद्य पदार्थों से जुड़े दुकानदारों को सामान के बिल पर FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य कर दिया जाएगा। साथ ही दुकान से लेकर रेस्टोरेंट को डिस्प्ले में बताना होगा वे किन खाद्य पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं। ग्राहकों को बिल पर FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देने पर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई होगी, जिसमें जेल जाने तक की सजा है। अब बैंकों में नहीं चलेंगी पुरानी चेकबुक। अक्टूबर से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक की पुरानी चेकबुक काम नहीं करेंगी। इन बैंकों का विलय दूसरे बैंकों में किया जा चुका है, जिसके बाद खाताधारकों के खाता नंबर, चेकबुक, IFSC व MICR कोड बदल गए हैं। अब तक ग्राहक पुराने चेकबुक का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन 1 अक्टूबर से वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। ऐसे में खाताधारकों को नई चेकबुक लेनी होगी। पेंशन के नियमों में भी होगा बदलाव। अक्टूबर महीने की पहली तारीख से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र से जुड़ा नियम बदल रहा है। अक्टूबर महीने से देश के सभी बुजुर्ग पेंशनर्स जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है, वो देश के सभी प्रधान डाकघर जीवन प्रमाण पत्र सेंटर में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। इसके लिए 30 नवंबर तक का समय दिया गया है। अक्टूबर से म्यूचुअल फंड निवेश में भी होगा बदलाव। बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेश के नियम में बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक एसेट अंडर मैनेजमेंट म्यूचुअल फंड हाउस में काम करने वाले जूनियर कर्मचारियों पर लागू होगा। 1 अक्टूबर 2021 से MSC कंपनियों के जूनियर कर्मचारियों को अपनी सैलरी का 10% हिस्सा म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में निवेश करना होगा, जबकि 1 अक्टूबर 2023 तक फेज वाइज ये सैलरी का 20% हो जाएगा। ऑटो डेबिट भुगतान का बदलेगा तरीका। 1 अक्टूबर से क्रेडिट डेबिट कार्ड के पेमेंट से जुड़े नियम में बदलाव होने जा रहा है। इसके तहत आपके क्रेडिट डेबिट कार्ड से होने वाले ऑटो भुगतान का नया नियम लागू किया गया है, जिसके तहत बिना ग्राहक की जानकारी दिए बैंक आपके खाते से पैसा नहीं काट सकेंगे। बैंक आपको इसके लिए पूर्व जानकारी देगा, तभी इसकी पेमेंट आपके बैंक से कटेगी। बैंक उपभोक्ता के खाते से पैसा तभी डेबिट होगा जब वे इसके लिए अनुमति देगा। अब पोस्ट ऑफिस के नए ATM के लिए लगेगा चार्ज। अगर आप पोस्ट ऑफिस के ATM का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि 1 अक्टूबर से पोस्ट ऑफिस में नए ATM डेबिट कार्ड पर चार्ज लगेगा। अब आपको सालाना मेंटेनेंस चार्ज ₹125 के प्लस GST देना होगा। ये चार्जेस 1 अक्टूबर से लेकर 30 सितंबर 2022 तक लागू रहेंगे। पोस्ट ऑफिस विभाग के पदाधिकारियों का कहना है कि अब ग्राहकों को भेजे जाने वाले SMS अलर्ट के लिए ₹12 प्लस GST चार्ज लिया जाएगा। साथ ही 1 अक्टूबर के बाद अगर आपका ATM खो गया तो दूसरे डेबिट कार्ड लेने के लिए ₹300 प्लस GST का चार्ज देना होगा। वहीं अगर ATM पिन खो जाता है तो दूसरा पिन देने के लिए भी चार्ज देना होगा। इसके लिए ग्राहकों को ₹50 प्लस GST चार्ज देना होगा। 1 अक्टूबर से बंद हो जाएंगी प्राइवेट शराब की दुकानें। दरअसल राजधानी दिल्ली में अक्टूबर से प्राइवेट शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी। फिलहाल पूरे दिल्ली में 720 शराब की दुकानें चलती हैं, जिसमें
260 प्राइवेट शराब की दुकानें हैं। नई आबकारी नीति के अनुसार सभी 32 जोन में लाइसेंस के आवंटन के बाद सरकार ने निजी शराब की दुकानों को लाइसेंस का 30 सितंबर तक के लिए बढ़ाया था। फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज़।